आज के बायोग्राफी में हम बात करेंगे योग गुरु रामदेव की। और आप सभी को पता होगा कि योग गुरु रामदेव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा कोई नहीं है जो शायद नहीं जानता हो। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे तथ्य है जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बता दूं कि जो योग गुरु रामदेव है उनका जो असली नाम है वो है रामकृष्ण यादव, और उनका जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1965 में हुआ था। वहीं आप सभी को बता दूं कि उनका जो जन्म स्थल है वह सैयद अलीपुर हरियाणा, और उनका जो उपनाम है यानी कि जिस नाम से उनको पूरा दुनिया जानती है वह है स्वामी बाबा रामदेव। वहीं आप सभी को बता दूं कि उनका जो पैसा है वो है योग गुरु और बिजनेसमैन भी है। वहीं उनका जो शौक है वो योग करना है और कहीं ना कहीं देश की सेवा करना है। वहीं आप सभी को बता दूं कि उनके जो पिता है उनका नाम है राम निवास यादव, उनकी जो माता है उनका नाम है गुलाबो देवी। वहीं आप सभी को बता दूं कि बाबा रामदेव हिंदू धर्म से है, उनकी नागरिकता जो है भारतीय है। वहीं उनका जो उपाधि है वो योग गुरु की है, और उनका जो वर्तमान का आवास है वो भी हरियाणा में नहीं बल्कि हरिद्वार में है। और आप सभी को बता दूं कि उनकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो राजकीय स्कूल शाहजतपुर से हुई है, और उनकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो आप सभी को बता दूं कि हुई है कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि जो स्वामी रामदेव है वो अविवाहित है, उन्होंने शादी नहीं की है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है जिनका नाम राम भरत है। वहीं आप सभी को बता दूं कि उनका जो पता है वह पतंजलि योगपीठ महर्षि दयानंद ग्राम दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे नियर ब्रह्मबाद हरियाणा उत्तराखंड, ये उनका जो है पूरा एड्रेस है। तो कहीं ना कहीं एक हरियाणा के छोटे से गांव के आने के बाद अपना इतना बड़ा नाम बनाया, और उनका जो नाम था रामकृष्ण यादव उससे वो बन गए योग गुरु स्वामी रामदेव। और उनकी जो योग है वो अभी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और पूरे विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर उनको नहीं जानते हैं लोग और उनकी जो है वहाँ पर कोई छवि ना हो। और आप सभी को पता होगा कि योग गुरु रामदेव अभी की अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उनका जो एक पतंजलि योग पीठ है वो कितना बड़ा है, उनकी जो कार्य क्षेत्र है वो कितनी बड़ी है, और कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव की जो पाठशाला लगती है योग की वो आप लोग देखे होंगे कितने भारी संख्या में लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव ने अपनी मेहनत से अपने काबिलियत के बदौलत आते इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, और उनकी जो जीवन रही है वो बहुत संघर्षों से भरी रही है, जिससे आप लोग कई तरीके की प्रेरणाएँ ले सकते हैं कि परिस्थिति कैसे भी हो हम सबको हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि जो रामकृष्ण यादव यानी कि स्वामी रामदेव है उनको बचपन से ही कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर, योग की ओर, और जो ये जड़ी बूटी से दवा बनती है जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद, इसके और जो है उनका ध्यान था, उनका इंटरेस्ट था, और उसी को जो है वो अपने जो एक पैसा होती है एक शौक होती है उसमें तकदील करते आगे बढ़ते गए, और उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और आप लोगों को पता होगा कि अब पूरे विश्व जो है इंटरनेशनल योगा डे भी मनाती है, चाहे बात हो भारत की या फिर विश्व के किसी भी स्थल की। जब योग का नाम आता है तो बाबा रामदेव का नाम जरूर आता है, और कहीं ना कहीं जब जड़ी बूटी का नाम आता है, जब हर्बल का नाम आता है, जब आयुर्वेदिक का नाम आता है, तब भी स्वामी रामदेव का नाम जरूर आता है। और कहीं ना कहीं आज स्वामी रामदेव वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था है जो कि पूरे योगपीठ को हो या फिर हम कहें कि आयुर्वेद की जो स्थापना हुई है भारत में उसमें एक अहम किरदार है, और योग को इतनी प्रसिद्धि करने के लिए या फिर हम अगर कहें तो पूरे जो आयुर्वेदिक दवा होती है उसको इतनी ज़्यादा सफलता दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उनकी जो ये योगदान है इसको जो है हमेशा याद किया जाएगा, और उनकी जो ये भारत की संस्कृति और भारत की संप्रभुता में योगदान है उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हमने इस वीडियो में आप लोगों को दी वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसमें से बहुत सी जानकारी आपके लिए नए होंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और बायोग्राफी के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।